नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत के लिमिटेड ओवर के कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी NCA में रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है, यानी दोनों खिलाड़ी वापस मैदान पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों खिलाड़ी चोट के कारण साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं जा सके थे। दोनों खिलाड़ियों को भारत के अंडर 19 कप्तान यश धूल के सोशल मीडिया पोस्ट पर डाली गई तस्वीर में NCA में देखा गया। यश धूल कुछ दिन पहले ही अंडर 19 टीम के कप्तान बनाए गए हैं। अंडर 19 टीम इस समय NCA में है, जिसे 23 दिसंबर से UAE में एशिया कप खेलने जाना है। रोहित शर्मा को पिछले सप्ताह विराट कोहली की जगह वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया था। उन्हें 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए उप कप्तान के तौर पर टीम इंडिया के साथ जाना था, लेकिन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण साउथ अफ्रीका नहीं जा सके रोहित शर्मा, और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें अभी भी ठीक होने के लिए 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। भारतीय ए टीम के कप्तान प्रियांक पांचाल को उनकी जगह टेस्ट टीम में रखा गया है। वहीं जडेजा घुटने की चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर हो गए थे, उन्हें ठीक होने में अभी लंबा समय लगेगा। जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में चोट लगी थी और वे सीरीज का आखिरी मुकाबला भी नहीं खेल सके थे। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है और भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका में सख्त बायो बबल को मानना होगा। भारतीय टीम को इस दौरान 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से खेला जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये दोनों खिलाड़ी वापिस NCA में लौट आए हैं, इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये दोनों खिलाड़ी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, और रोहित शर्मा से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो कप्तानी करने वाले थे। ऐसे में उनकी चोट के ऊपर उनकी कप्तानी निर्भर करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।